बनारस ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने के फुहारे को शिवलिंग बताने पर आज मुंब्रा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि मामला ये अभी कोर्ट में चल रहा है, मगर जिस तरह से हिंदुस्तान में ताजमहल, कुतुब मीनार, ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने की हिंदू पक्षकार बात कर रहे हैं, इसी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ठाणे जिला अध्यक्ष अतीकुर रहमान ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हम लोग जो यहाँ पर जमा है, हम लोग सब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में काम कर रही है और पिछले एक साल से महाराष्ट्र में भी काम कर रही है, आज हम लोग सब जमा है ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस में है, उसका जो वजू खाना है उसके अंदर हम एक फव्वारा था और फव्वारे को हिंदू पक्ष ने उसको शिवलिंग बता दिया है। शिवलिंग बताकर वहाँ पर जो है कोर्ट की तरफ से याचिका दायर की है और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट करके उसको वहाँ पे सील कर दिया गया है। हमारा ये आंदोलन उसके खिलाफ है। केस आपने सिर्फ हिंदू पक्ष को सुना है, मुस्लिम पक्ष को आपने सुने बिना ये ऑर्डर कैसे पास कर दिया, इसके लिए हमारा विरोध था। जो आज हमने यहाँ पर अंबेडकर साहब का जो स्मारक है यहाँ पे मोहना पुलिस चौकी के पास, वहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन कर जाहिर करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे जमा हुए और हमने अपना विरोध जाहिर किया। इसी तरह से ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर भी जो है हिंदू पक्ष ये भी मंदिर है, हिंदू देवी मंदिर है, इस पर भी तमाम आवाज उठ रहे हैं, इसको लेकर आप हाँ, ये जो हिंदू पक्ष की तरफ से ताजमहल, कुतुब मीनार, दूसरे मस्जिदों पे दावा किया जा रहा है वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बना करके दावा कर रहे हैं और इस तरह का दावा ये झूठे दावे हैं। आज एक जो दावा किया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में या हिंदू खतरे में है, हाँ हिंदू धर्म खतरे में मैं भी बोलता हूँ, लेकिन किन लोगों की वजह से, मुसलमानों की वजह से नहीं। ये लोग जो झूठे दावे कर रहे हैं ना, फव्वारे के फाउंडेशन को जो शिवलिंग बताकर झूठे दावे कर रहे हैं, जिन्होंने रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद के गुम्बद के नीचे रात के अंधेरे में जा करके मूर्तियां रखी है चोरी छुपे, ऐसे ही झूठे दावे करने वालों की वजह से हिंदू धर्म खतरे में है। मुसलमान या किसी दूसरे लोगों की तरफ से हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। हमारा गंगा जमनी तहजीब जो थी आज भी जारी है, बहुत सारे हिंदू हमारे साथ में हैं। हिंदू जानते हैं कि ये लोग जो देश में नफरत का वातावरण फैला रहे हैं इसी से हिंदू खतरे में है। हिंदू आज कुछ खतरे में है तो ऐसे ही झूठे दावा करने वालों की वजह से खतरे में। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि हमने एक मस्जिद को खोया है, आप दूसरी मस्जिद को नहीं खोएंगे। और जो 1991 का जो एक्ट था समझे, उसके हिसाब से तो ये बहुत गलत हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट का डिसीजन जो आता है क्या?